मॉर्निंग एवरीवन, मैं पुष्पा स्टडी सर्विस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में हम आज टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन में आने वाले फिजिक्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है आपके पास वोल्ट इंटू चार्ज अपॉन टाइम या फिर वोल्ट इंटू चार्ज अपॉन टाइम कैन बी इक्वेलेंट टू। तो यहाँ से जो है अगर हम बात करें ऑप्शन से पावर फ्रीक्वेंसी इम्पल्स फोर्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप यहाँ देखेंगे वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट जो है आपकी, वोल्ट के लिए जो है आप देखेंगे क्या सिंबल हो जाएगा, वी। और अगर चार्ज अपॉन टाइम की हम बात करते हैं तो चार्ज अपॉन टाइम जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ से जो ये क्या हो जाएगा, आई इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो फॉर्मूला आपके पास क्रिएट हो रहा है वी इंटू आई, तो ये जो है आपका किसका फॉर्मूला होता है, पावर का, ठीक है, पावर। तो यहां से हमें जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास द रेशियो ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डाइमेंशंस ऑफ। इस क्वेश्चन में जो है हमें रेशियो कांस्टेंट और एक आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनकी आपको क्या बतानी है रेशियो और किसके बीच में, इनके डायमेंशन फॉर्मूले के बीच में। तो सबसे पहले हम प्लैंक कांस्टेंट को देखते हैं, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ से जो है ई इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। और न्यू जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम प्लैंक कांस्टेंट को निकाल लेंगे। तो जब आप यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई अपॉन न्यू, ठीक है। और अगर यहाँ से एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो मास जो है आपके पास, ठीक है, इसका एम हो जाएगा, वेलोसिटी होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्क्वेयर है तो इट मींस आपके पास एल स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर। तो मैं एनर्जी की जगह पे जो है पुट कर सकती हूँ एम एल स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर, ठीक है। और अगर यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, न्यू की बात करें, तो न्यू जो है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये जो है अगर मैं इस तरह, ये आपको यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि अगर टाइम को देखें तो ये इसके नीचे आएगा टाइम पीरियड, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारे पास क्या फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा आप देखेंगे, आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट जो है वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से जो है प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन फॉर्मूला आप निकालेंगे। इसके पास जो है ये हो गया हमारे पास किसका, प्लैंक कांस्टेंट का, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हम मोमेंट ऑफ फॉर्मूला होता है आर से और आर यहाँ पे आपका रेडियस है, ठीक है। तो मास है तो मास के लिए आपका क्या, अगर डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होता है एम, ठीक है। और रेडियस है, रेडियस के लिए जो है आपके पास क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर, ठीक है। तो हमारे पास जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से ये आ गया और प्लैंक कॉन्स्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से ये हो गया, ठीक है। तो रेशियो, रेशियो का मतलब होता है इसको आप डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसे
डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो मैं यहीं पे आपको जो है बता देती हूँ कि इस तरह से आप रेशियो निकालेंगे, प्लैंक कांस्टेंट और इनर्शिया। ठीक है, तो इसी के नीचे जो है आप लिख लो, यहाँ पे जो है आपके पास क्या आ जाएगा, इनर्शिया का हमारे पास क्या है, एम एल स्क्वेयर। ठीक है, एम से एम आपका कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वेयर से आपका एल स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, टी इनवर्स, और टी इनवर्स इज ऑल्सो रिटर्न एज अ वन अपॉन टाइम। ठीक है, अगर आप वन अपॉन टाइम लिखेंगे तो वो भी आपका क्या होगा, टी इनवर्स टाइम का इनवर्स, वन अपॉन टी भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा कि वन अपॉन टी मैंने जस्ट अभी जो है एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये जो है किसका होता है आपके पास, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वन अपॉन टाइम पीरियड। तो इट मीन्स आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये आपकी रेशियो हो जाएगी प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन जो है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, 1 वाट आर इक्वल। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि 1 वाट जो है वो कितने जूल के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें वाट की, तो वाट जो है हमारे पास वो होती है किसकी एसआई यूनिट, पावर की। तो यहां से अगर आप आर की बात करें तो आर क्या है आपके पास, टाइम। ठीक है, 1 आर, टाइम कितना दिया है आपको, 1 आर। तो यहां से आपको ये क्लियर हुआ कि पावर, पावर का फॉर्मूला अगर हम देखें तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से हमें क्या गिवन है, एक तो हमें यहाँ से क्या निकालना है कि 1 आर, 1 वाट आर जो है वो कितने जूल के बराबर है। इट मीन्स आपको यहाँ से एनर्जी जो है निकालनी है। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पावर इंटू टाइम। ठीक है, क्योंकि वाट और आर आपको गिवन है तो रह क्या गया, एनर्जी, इसीलिए आप एनर्जी को निकालेंगे। तो पावर की जगह पे मैं 1 वाट पुट कर सकती हूँ क्योंकि पावर हमें 1 वाट गिवन है यहाँ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 1 वाट आर। ठीक है, 1 वाट हो गई और टाइम जो है वो आपका कितना है, 1 आर। तो अगर यहाँ से आप बात करेंगे वाट की, तो वाट की जो एसआई, वाट को आप किस तरह लिख सकते हैं, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इंटू, अगर 1 आर की बात करें तो 1 आर में यू हैव ऑलरेडी नो दैट कि आपके पास कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स और 60 सेकेंड। ठीक है, मतलब टोटल जो सेकेंड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 3600। तो 60 × 60 करेंगे तो 3600 हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड से आपका सेकंड कैंसल आउट हो जाएगा, इट मींस आपके पास जो है यहाँ से 3600 जूल जो है रह जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको डेसिमल में लेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 × 10^3 जूल। तो इट मींस ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से जो है आप 1 वाट आर को जो है जूल में कन्वर्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट। तो सबसे पहले हम लेटेंट हीट को देखते हैं कि लेटेंट हीट होती क्या है। ठीक है, लेटेंट हीट की अगर हम बात करेंगे तो लेटेंट हीट जो होती है एक ऐसी एनर्जी होती है जो एब्जॉर्ब और रिलीज करती है किसी भी सब्सटेंस को ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। यहाँ पे जो है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा और जो है किसी भी सब्सटेंस में जो है चेंज उसकी स्टेट हो जाएगी। ठीक है, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। तो इट मींस लेटेंट हीट है इज डिनोटेड बाय क्यू। लेटेंट हीट तो एल से रिप्रेजेंट करेंगे, बट हीट को जो है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर प्रोपोर्शनलिटी को आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एल एम, और एल जो है आपके पास क्या है, लेटेंट हीट। तो यहाँ से अगर हम लेटेंट हीट को निकालेंगे तो
तो ये जो है हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा लेटेंट हीट का, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला, ये हमारा लेटेंट हीट का फॉर्मूला हुआ। अगर हम हीट की बात करें तो इसका डायमेंशन जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे वो एनर्जी का ही होगा, वो होगा आपका एम एल स्क्वेयर अपॉन टी इनवर्स स्क्वेयर। ये किससे आया, आपका हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है, जो अभी हमने पीछे सॉल्व किया था उससे जो है आपका क्या आ गया, एम एल स्क्वेयर टी इनवर्स स्क्वेयर, हीट और एनर्जी, ठीक है। और अगर हम मास की बात करेंगे यहाँ पे, तो अगर हम मास की बात करें तो मास क्या है यहाँ पे हमारे पास, एम, ठीक है। तो यहाँ से एम से आपका एम कैंसल आउट हो जाएगा, इट मींस आपके पास जो है डायमेंशन फॉर्मूला एम तो है नहीं, तो इट मींस एम जीरो एल स्क्वेयर टी इनवर्स स्क्वेयर। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर सेकंड, एम जीरो एल स्क्वेयर टी इनवर्स स्क्वेयर जो है आपकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा लेटेंट हीट का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट है जो प्रीवियस जो है आपके नॉन मेडिकल टीजीटी कमीशन में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ मूव करते हैं। द यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, अगर हम पॉइंटिंग वेक्टर की बात करें तो पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो होता है आपका, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और पॉइंटिंग वेक्टर इज डिनोटेड बाय पी, समटाइम्स पी से डिनोट किया जाता है और जो है कई बारी एस से भी इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। पी से इसलिए डिनोट किया जाता है क्योंकि जो साइंटिस्ट है जिन्होंने पॉइंटिंग वेक्टर को फाइंड आउट किया था उनका नाम था जे पॉइंटिंग, ठीक है, तो उनके नाम पे भी इनको जो है पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और समटाइम्स आप एस से भी इसको देखेंगे बुक्स में, एस से भी ये डिनोट होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसके फॉर्मूले की बात करें हम, तो इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी और पावर, एनर्जी या तो एनर्जी बोलेंगे आप या पावर जो है ट्रांसफर होती है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है किसमें, स्पेस में, ठीक है। आपकी जो है मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपकी ट्रांसफर होती है स्पेस में एनर्जी या पावर की फॉर्म में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कुछ ना कुछ वो एरिया जो है कवर करेगी, दैट इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ से आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, तो इट मींस आपके पास यहाँ से अगर हम देखेंगे, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को, तो ये आ जाएगा ई एच साइन 90, ठीक है। और यू हैव ऑलरेडी नो दैट साइन 90 मीन्स साइन 90 पे वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ से आपके पास ई और एच रह जाएगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगी। और इसकी अगर ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगी आपके पास, वाट पर मीटर स्क्वेयर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट विल बी अ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रिजिड बॉडी हैविंग एन पार्टिकल, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी भी रिजिड बॉडी की जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी अगर जो है आपके पास पार्टिकल जो है वो एन पार्टिकल गिवन है। तो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, ठीक है, इन विच पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम
कैन एक्वायर एनर्जी। तो यहां से अगर हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे, कि टोटल नंबर ऑफ कितने इंडिपेंडेंट वे है आपके पास किसी भी सिस्टम में पार्टिकल्स को एनर्जी एक्वायर करने के लिए। मतलब किसी भी पार्टिकल के द्वारा एनर्जी जो एक्वायर की जाती है उसके पास किसी भी सिस्टम में कितने टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज होंगे, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बात करते हैं रिजिड बॉडी की। तो रिजिड बॉडी, आप यू हैव ऑलरेडी नो दैट कोई भी आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसमें कोई भी आपके पास इस तरह से स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो इसमें जो है आपके पास 3D जो है क्या बनेगा, प्लेन बनेगा, ठीक है, 3D, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होगा, ठीक है। तो इसमें जो है अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे एक तो आपके पास n पार्टिकल गिवन है, डायरेक्शंस आपके पास 3 डायमेंशन है यहाँ पे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी रिजिड बॉडी में n पार्टिकल्स के लिए वो कितनी हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर सेकंड 3n, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे रिजिड बॉडी में वो इसके कंस्ट्रेंट्स होंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है, तो अगर हम ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करें वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। आप देखेंगे इम्पल्स, इम्पल्स है, तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो फोर्स की बात करें, फोर्स की देखेंगे आप, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टी स्क्वेयर इनटू, और चेंज ऑफ टेम्परेचर का टाइम है तो टाइम, ठीक है, एक टाइम से आपका एक टाइम कैंसिल हो जाएगा, इट मींस आपके पास क्या आ जाएगा एम एल टी इनवर्स, ठीक है, ये किसका आ गया आपका इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां से हम सेकंड मोमेंटम का देखते हैं, तो आप सभी जानते हैं मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय टी, ठीक है, मोमेंटम और मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की अगर एसआई यूनिट तो किलोग्राम होगी, बट अगर यहाँ पे हम डायमेंशन फॉर्मूले की बात करेंगे वो हो जाएगी एम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट है मीन्स लेंथ है, टाइम है मीन्स टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको लिखेंगे इनवर्स में तो ये एम एल टी इनवर्स होगा। तो यहाँ से आपको जो है क्या देखने को मिला है कि इम्पल्स और मोमेंटम की जो है सेम डायमेंशंस फॉर्मूला होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, यहाँ पे आपके पास डायमेंशंस बताना है आपने वेलोसिटी ग्रेडियंट का, जो ये ऑप्शन है इसमें से किसके साथ जो है वो सेम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट को देखते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट को मैं VG लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का अगर हम फॉर्मूला बोले तो वो होता है dV अपॉन dx, ठीक है, वी यहाँ पे वेलोसिटी है और एक्स यहाँ पे डिस्टेंस है। आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बात करें वेलोसिटी की, तो यू हैव ऑलरेडी नो दैट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी की जगह पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकती हूँ, और नीचे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के लिए आपको पता है मीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला की बात करेंगे तो वो लेंथ होगी, ठीक है, टाइम की आपको पता है कैपिटल टी होती है, और मीटर की अगर हम बात करें वो लेंथ में जो है उसको डिनोट करेंगे।
तो इट मींस हमारे पास यहाँ से जो है एल से एल कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये एल टी जो है आपको पता है इनवर्स में, इट मींस आपके पास यहाँ से 1/t रह जाएगा, और 1/t इज ऑल्सो रिटन एज अ टी इनवर्स। तो आपको ऑलरेडी पता है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन किया था, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखा था, वो होता है 1/टाइम पीरियड। तो ये भी 1/टाइम पीरियड है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। द डिस्टेंस एक्स ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम टी इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए प्लस, ये इस तरह से आपको दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, तो आपको ए और बी का डायमेंशंस बताना है, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो जिसका डिस्टेंस एक्स है और ट्रेवल कर रहा है, वो टाइम जो है उसका टी है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं एक्स जो है मेरा वो किसके इक्वल है, ए के, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या क्लियर हुआ कि एक्स जो है वो क्या है, डिस्टेंस, इट मींस एल, एल के बराबर हो गया। तो एक्स की वैल्यू मैंने निकाल दी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल। अब हम बी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे बी हमारा यहाँ है, इसको अब हम निग्लेक्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ए को अगर आप निग्लेक्ट कर देते हो, क्योंकि एक्स के लिए हमने निकाल दिए, ठीक है, एक्स के साथ ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है। अब जो है हम इन दोनों में देखेंगे किस तरह से, अगर मैं यहाँ से ए को आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगी, तो ये आ जाएगा एक्स इंटू ए, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा बी टी स्क्वेयर, तो यहाँ से मुझे बी निकालना है, ठीक है। तो बी को आप जो है यही रहने दो, टाइम मल्टीप्लाई में है आपका, डिवाइड में चला जाएगा टी स्क्वेयर। तो यहाँ से जो है आप देखेंगे एक्स है डिस्टेंस से और ए है, ये भी आपका क्या है, देखो ए भी किसके बराबर है, एल के। तो ये एल इंटू एल, एल इंटू एल, ठीक है, अपॉन टाइम है टी स्क्वेयर। तो एल इंटू एल मीन्स एल स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर। तो यहां से जो है मेरे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक जो है उसका डायमेंशन होगा एल, और जो आपके पास बी है उसका होगा एल स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर, या एल स्क्वेयर इनवर्स, एल स्क्वेयर इंटू टी इनवर्स स्क्वेयर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फिजिकल, ठीक है, यहाँ पे फिजिकल है, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम यूनिट्स, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है आपको, इनमें से किसकी यूनिट्स जो है वो सेम है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगी। देखते हैं किस तरह से, अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यू हैव ऑलरेडी नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, एंड एरिया की अगर बात करें मीटर स्क्वेयर, ठीक है। अब इसी तरह से स्ट्रेन भी देख लेते हैं, तो स्ट्रेन, अगर स्ट्रेन की आप बात करेंगे, स्ट्रेन का फॉर्मूला एज इट इज होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो इट मीन्स इसकी यूनिट भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर सेकंड हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इस सीरीज में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।